सरकार राज्य की ग्राम पंचायतों को बिजली बिल से जुड़े हुए पत्र भेजे जाने का पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुई ने निषेध किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को धमकी दी गई है, जिसके विरोध में राज्य के सभी सरपंच सड़कों पर आएंगे। शनिवार को आयोजित एक पत्रकार परिषद में वे बोल रहे थे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आदेश पर पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुई ने आपत्ति दर्ज करते हुए इसे शीघ्र वापस लेने की मांग की है। सरकार की ओर से ग्राम पंचायत का बिजली और पानी बिल उन्हें ही भरने का आदेश जारी किया है। प्रेस क्लब में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान बावनकुई ने कहा कि इससे पहले सभी बिल सरकार की ओर से भरा जाता था, इसलिए सरकार को इस आदेश को शीघ्र वापस लेना चाहिए, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी उन्होंने दी। सरकार ने हा जीआर वापस घ्यावा, हे परिपत्रक वापस घ्यावा आणि तात्काळ महाराष्ट्रातल्या 27,000 ग्राम पंचायतीचे सर्व स्ट्रीट लाईटचे कनेक्शन आणि पिण्याच्या पाण्याचे योजनेचे कनेक्शन तातडीने सुरू करावे आणि यानंतर ग्राम पंचायतला रस्त्यावरचे लाईटचे आणि पिण्याच्या पाण्याचे बिलं मागू नये, नाहीतर महाराष्ट्रातले सर्व सरपंच रस्त्यावर येतील आणि सर्व सरपंच या सरकारचा निषेध करतील, धिक्कार करतील आणि जर तुम्ही त्याला धमकी दिली तर मग आम्ही या संपूर्ण आंदोलनामध्ये सक्रियपणे उतरू आणि महाराष्ट्रावर आंदोलन करू। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को इस परिपत्र के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक और जहां कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है, लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उसी बीच ऐसे निर्णय लेना बेहद ही अनुचित है, ऐसा बावनकुई ने कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को धमकी देने का काम किया जा रहा है। प्रचंड अड़चनी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत मध्य केवल नाल्या सफाई करता करता सुद्धा पैसे नाही आहे आणि अशा वेळी 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख बिलं रुपयाचे बिलं ग्रामपंचायतला पाठवले आहे आणि त्यामुळे हे सर्व बिलं सरकारने परत घ्यावे अशी मागणी आजच्या ओबीसी आरक्षण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की भूमिका संदिग्ध है। अब तक किसी भी कलेक्टर को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। सांगतो या सरकारला डिसेंबर पर्यंत आरक्षण करायचं नाही आहे आणि विदाऊट ओबीसी आरक्षण निवडणुका घ्यायच्या आहे। मी या सरकारला सांगितलं आहे की डिसेंबरपर्यंत आम्ही तुमची वाट पाहणार आणि मग नंतर पूर्ण ओबीसी समाज महाराष्ट्रातला हा पेटल्याशिवाय राहणार नाही। आजही सरकारची भूमिका संदिग्ध आहे। आज अजूनही कुठल्याही कलेक्टरला आदेश आले नाही आहे, अजूनही कोणत्याही यंत्रणेला कामात लावलं नाही आहे, कोणत्याही संस्थाची निवड केली नाही आहे आणि त्यामुळं मला वाटतं की ओबीसी आरक्षणाचा जो विषय आहे युवक काँग्रेस किंवा काँग्रेसने घेतलेला तो त्यांनी राजकीय आरक्षणाबद्दल पहिले केला पाहिजे। हे जे आहे जे काही सुटले असेल किंवा हे ठीक आहे तुमचं निवेदन दिलं जे काही तुमचं जो अधिकार आहे, पण युवक काँग्रेसनी किंवा काँग्रेसनी तातडीनं आत्ता जे आपलं आरक्षण गेलं आहे तुमच्या नाकर्तेपणामुळं हे आरक्षण परत करण्याकरता तातडीने कारवाई केली पाहिजे। शनिवार को आयोजित पत्रकार परिषद में विधायक टेकचंद सावरकर व सोनेगांव राजा के सरपंच चंद्रकांत हेवट, कापसी खुर्द के सरपंच सूरज पाटिल, मालगांव के सरपंच प्रकाश गजबीय, करौली की सरपंच प्रांजल वाघ आदि उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए इस पत्र से ग्राम पंचायतों के साथ साथ राजनीतिक जगत में भी क्या खलबली मचती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर। We'll be right back.